नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं मुंबई और महाराष्ट्र की 10 बड़ी खबरों पर। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष आनंद निरगुड़े ने अपने पद से दिया इस्तीफा। आयोग के कामकाज में शिंदे सरकार के 2 मंत्रियों पर हस्तक्षेप का लगाया आरोप। इस्तीफे के बाद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बर्खास्त होने की जताई जा रही है आशंका। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज 4th दिन। कामकाज की सूची में शामिल किया गया मराठा आरक्षण का मुद्दा। मराठा, ओबीसी और धनगर समाज के आरक्षण पर हो रही है चर्चा। मुंबई के 7 सार्वजनिक प्रकल्पों की महानगर पालिका और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी करेंगे जांच। किस प्रोजेक्ट के कारण शहर में फैल रहा है प्रदूषण का इसका लगाया जाएगा पता। बुलेट, मेट्रो और ट्रांसहार्बर लिंक समेत 7 प्रोजेक्ट की होगी जाँच। शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में पीएम मोदी के खिलाफ लिखे गए आपत्तिजनक आर्टिकल को लेकर बड़ा विवाद। सामना के संपादक संजय राउत के खिलाफ महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में FIR दर्ज। आर्थिक राजधानी मुंबई से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। मां बनने के बाद महिला ने नवजात को कूड़ेदान में फेंका। बच्ची की मौत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। ठाणे जिले के कल्याण शहर में अज्ञात शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर शुरू की अपनी जाँच। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे। कहा जम्मू कश्मीर में सितंबर में होने वाले चुनावों से पहले अगर पीओके भी आ जाता है तो पूरे कश्मीर में हो जाएंगे चुनाव और देश का एक हिस्सा रहेगा बरकरार। महाराष्ट्र में इस साल जमकर देखने को मिल रहा है मच्छरों का आतंक। जनवरी से सितंबर के बीच समूचे राज्य में 17,000 से अधिक जबकि मुंबई में 4,000 से अधिक दर्ज किए गए डेंगू के मामले। औसतन हर 2 घंटे में 1 व्यक्ति हो रहा है डेंगू का शिकार। मानसिक रूप से बीमार लोगों को महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने दी बड़ी राहत। मुंबई की दूसरी लाइफलाइन कही जाने वाली बेस्ट की बसों में दिव्यांगों के बाद मानसिक रूप से बीमार लोग कर सकेंगे फ्री में यात्रा। आर्थिक राजधानी मुंबई में जल्द पड़ेगी गुलाबी ठंड। रात के समय गिरेगा पारा। मौसम विभाग के मुताबिक 12 से 14 दिसंबर तक 20 डिग्री सेल्सियस और 15 और 16 दिसंबर को 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा तापमान। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहे इन 24 न्यूज। इन 24 न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।